शब्दों में कहना मुश्किल है कि महाराज जी की मैं शागिर्द बनी। और ये मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मैं जब महाराज जी के पास सीखने गई तो मेरी उम्र उस वक्त मात्र 14 साल की थी, बहुत छोटी। और उस वक्त महाराज जी कथक केंद्र में सिखाते थे और कथक केंद्र में ऑलरेडी उनके जितने स्टूडेंट्स थे वो सब 20 या 20+ थे, सब बड़े। और मैं जब महाराज जी के पास गई, मुझे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब मैं भाषुती दीदी के तरफ से या रेवा दीदी के तरफ से जब एग्जामिनेशन देने जाती थी तो एग्जामिनेशन रूम में महाराज जी और लोगों के साथ एज ए जज बैठते थे। तो एक तो बहुत प्यार करते थे क्योंकि मेरे पापा को वो हमेशा कहते थे प्रदीप मेरा भाई है, और मेरे पिताजी ने महाराज जी को हमेशा भैया ही बुलाए, कभी महाराज जी नहीं बुलाए। तो वो हमेशा कहते थे कि ये तू एक दिन मेरे पास आएगी, तेरे को तो एक दिन मैं सिखाऊंगा। तो वो हमें नहीं पता था वो एक दिन इतना जल्दी होगा, 14 साल की उम्र में महाराज जी के पास। महाराज जी का बैले तो मैं 8 साल की उम्र से कर रही हूँ, 8 साल की उम्र से मैं उनके बैलेज में कृष्ण का रोल करती थी, कृष्णायन कभी किया कभी कृष्ण लीला किया। तो कालिया दमन तक मेरा रोल फिक्स था कि कालिया वध तक मुझे कृष्णा बनना है, उसके बाद फिर जो बड़े होते थे वो करते थे। तो बैलेंस तो शुरू से करती थी, फिर एग्जामिनेशन में वो एज ए जज बैठते थे। तो इन टच उनके डांस से मैं जुड़ी हुई हमेशा रही, लेकिन जब मैं महाराज जी के पास गई तो मेरे लिए महाराज जी का स्टाइल वॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज महाराज जी का स्टाइल ऐसा है ना जो शायद देखने में आसान हो लेकिन आई विल से दैट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टाइल, जिसमें महाराज जी की हमेशा एक मिसाल रही है कि नाचो तो सर के बाल से लेकर पाँव का नाखून नाचना चाहिए। और वो उसका प्रत्यक्ष मिसाल महाराज जी हैं, जिनका शरीर का एक-एक अंग नाचता है, और वही उन्होंने हमें सिखाया। और उसको सीखने में ही सालों लग गए, सालों साल, एक-एक ठाट वो 6-6 महीने एक ही चीज कराते थे। नहीं, और कभी हमने पूछा भी नहीं महाराज जी से, महाराज जी आप एक ही चीज क्यों करा रहे हैं, कुछ और भी सिखाए। क्योंकि मैं बताऊं, वो हमारे गुरु जो हमें कहते थे वो हमारे लिए आदेश होता था कि नहीं, अगर उन्होंने जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे हमारे किसी कॉम्पोजिशन से हम आगे नहीं बढ़े। तो महाराज जी एज अ गुरु, आप सोचिए जब मैं महाराज जी के पास गई आई वॉज 14 एंड विद इन 1 ईयर मैं बिल्कुल पीछे खड़े होके नाचती थी, बाकी सब सामने नाचते थे। और महाराज जी तब भी कहते थे, जब जरूरी नहीं कि हमेशा खड़े होके रियाज करो, वो रियाज अलग है, घुंघरू बांध के रियाज करना एक अलग है और एक मन से मनन करना अलग होता है। अगर मैं तुम्हारे को कोई मूवमेंट बता रहा हूं तो उसको पहले अपने आंखें बंद करो और महसूस करो कि मैंने उसका हाथ कैसे उठाया, मेरी नजर कैसे उठी, कैसे मैंने अपनी पलकों को खोला। उसको मैं आंखें बंद कर करके उसको सिर्फ सोचती रहती थी एंड विद इन 1 और 1.5 ईयर मैं बिल्कुल पीछे से सामने वाले लाइन में आ गई। तो अगर मैं महाराज जी का बखान करूं एज अ गुरु, आई डोंट थिंक कि जो जो पेशेंस महाराज जी के अंदर है सिखाने में, एक तो कभी उन्होंने अपने अपना टेम्पर लूज नहीं किया, बहुत पेशेंट, ही इज अ गुरु विथ पेशेंस एंड वन शुड लर्न फ्रॉम हिम कि सिखाना क्या होता है, पेशेंस क्या होती है। इतना पेशेंस, एक चीज 10 बार गलत करो वो आपको 10 बार कराएंगे, जब तक आप उनको नहीं लगेगा कि इसको समझ आए वो उसको करवाते रहेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत गुरु, बहुत ही हम्बल गुरु, बहुत ही पेशेंट गुरु, और उन्होंने हमको डांस एक डांस की तरह नहीं सिखाया, उन्होंने हमको डांस से मोहब्बत करना सिखाया। तो मैं इतना ही कहूंगी दैट आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिम एज अ गुरु। मैं वही तो कह रही हूँ, इसीलिए तो वो अलग है कि वो उन्होंने तभी तो उनकी आंखें अलग हैं कि उन्होंने कभी ये सोच के नहीं सिखाया कि आप सोचिए भीड़ में कितने भी लोग खड़े हों, उन्होंने कभी ये नहीं कि किसी एक को देखा ये नहीं, क्योंकि देखिए हर गुरु का कोई ना कोई फेवरेट होता है, ये हर गुरु का होता है कि कोई अच्छा स्टूडेंट होता है, ब्राइट होता है, वो एक समय में आके बाद फेवरेट हो जाता है।
और एक क्लास में सारे एक जैसे स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, हम भी सिखाते हैं, हमारे पास सब इतने पिकअप माइंडेड नहीं होते, पर अगर हम ये सोच के बाकी जो उतना पिकअप माइंडेड नहीं है उनको नेग्लेक्ट करें, तो दैट मीन्स वी आर नॉट लाइक वो गुरु नहीं है जो एक निगाह से सबको देखते हैं। हमारे जो गुरु है महाराज जी, उन्होंने कभी ये सोच के, बल्कि जो जो थोड़ा कमजोर है, जिसके अंदर थोड़ी कमी है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया कि नहीं, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैं और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊंगी कि मैं जब महाराज जी के पास गई तो महाराज जी मेरे हाथ पांव मेरे मूवमेंट्स देख के कहते थे, अरे तेरे मूवमेंट्स तो बिल्कुल गोरैया की तरह है, स्पैरो गोरैया कहते, छोटे छोटे चम्मच की तरह हाथ में, इनको तुम्हें बड़ा, एक तो तुम छोटी सी हाइट की है, छोटी सी है, और 14 साल की उम्र में और छोटी रही होंगी, भले ही अभी उतना फर्क नहीं पड़ा है, पर तब क्योंकि बहुत दुबली भी थी मैं, तो वो कहते हैं तो इतने छटाक भर की है, ऊपर से इतने छोटे छोटे हाथ करती है, दिखाई भी नहीं देता। तो उन्होंने मेरे हाथों पर काम किया, जबकि जबकि उस टाइम महाराज जी के पास, सॉरी उस टाइम महाराज जी के पास ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो बहुत स्ट्रांग थे। महाराज जी के पास एक स्टूडेंट रही प्रणा घोष करके, जो उस जमाने में शी वॉज वन ऑफ हिज स्ट्रांगेस्ट स्टूडेंट, स्ट्रांगेस्ट डांसर, जिसका मूवमेंट मैंने बहुत खेला हुआ, एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छा, डांस भी बहुत अच्छा, सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं कि महाराज जी ने सिर्फ उसको सिखाया, मुझे नहीं सिखाया, उसके ऊपर उसके बॉडी के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया, मुझे मेरे बॉडी के हिसाब से, बिकॉज छोटे छोटे हाथ पांव, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे ग्रूम किया। तो वही बात है कि अगर महाराज जी अगर कहते हैं किसी को कि आओ मेरे पास आओ सीखो, तो उसमें वो उनकी वो आंखें हैं जो जो सबके अंदर क्वालिटी देखती है। मैं अपने फादर की एक मिसाल आपको बताऊंगी शिवेंद्र भाई। मेरे फादर हमेशा कहते थे, इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया कि वो सिर्फ कमजोरी देखता है, कमियां देखता है, अगर उस बुरे से बुरे इंसान में भी अगर तुमको कुछ अच्छाई नजर आने लगे ना, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो अच्छाई है कि तुम उसके अंदर अच्छाई देख सकते हो। तो ये महाराज जी का एज अ गुरु है कि महाराज जी हर डांसर, चाहे वो कोई भी घराना हो, चाहे वो सीखा हुआ हो चाहे वो ना सीखा हुआ हो, उसके अंदर महाराज जी को ऑलरेडी एक डांसर दिखता है। तो ये इसीलिए ही इज डिफरेंट। एक बार फिर आपसे यही गुजारिश करेंगे, जैसे पिछले हिस्से में हमने आपकी एक डांस की क्लिप देखी थी, कोई और अपनी नृत्य की कोई झलक दिखाएं और उसके बारे में बताइए भी हमें। जी ये शिवेंद्र भाई, एक और मेरा एक उसी उसी टाइम का 2019 का मेरा परफॉर्मेंस है, जिसमें पहली मर्तबा मैंने गाने की कोशिश की। मैं ट्रेंड सिंगर तो कभी भी नहीं थी मैं, लेकिन गुनगुना लेती थी। बहुत बचपन में मैंने थोड़ा सा गाना सीखा था, उस्ताद आमिर खान साहब उनसे मैंने सीखा था। फिर जब महाराज जी के पास मैं गई, तो महाराज जी तो आपको पता ही है बहुत गजलें ठुमरी वगैरह सब गाते हैं, तो ऐसे हमको गवाते रहते थे, कभी कोई गजल गवा दी कभी कोई ठुमरी। तो और मैं जगजीत सिंह जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं उनकी एक गजल हमेशा गुनगुनाती थी उनके पास। तो वो कहते थे, महुआ तेरी आवाज बड़ी अच्छी, तुझे गाना गाना चाहिए। तो उन्होंने सिखाना शुरू किया, मुझे सिखाना शुरू किया, और कुछ समय उनके पास मैंने सीखा, और हमेशा मुझे कहा कि तुम्हें गाना सीखना चाहिए, तुम्हारे अंदर आवाज है। फिर उसके बाद मैं जब उस्ताद गुलाम साबिर खान साहब जी, जिनकी मैं गंडा बन शागिर्द हूँ, जब मैं गंडा बनवाने का रीजन भी वो गाना ही था कि मैं कुछ तालीम उनसे गाने की ले सकूं, थोड़ा बहुत मैंने सीखा उनसे, क्योंकि व्यस्तता उनकी भी ऐसी थी और मेरी भी शुरू से ऐसी रही कि हर वक्त उनके पास जाना पॉसिबल नहीं था, पर जितना हो सका थोड़ा सीखने से ज्यादा उनको सुना हमने। तो पहली बार मैंने हिम्मत की गाने की, और बैठकी भाव मैंने किया, जो कि कथक की बड़ी खूबसूरत एक 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 एक्सट्रीम है कि गा के भाव करना, जो पहले बहुत लोग करते थे, अब समय के साथ बहुत कम हो गया, अभी भी कुछ एक लोग हैं जो करते हैं। मैंने जब पहली बार कोशिश की तो बहुत मैं घबराई हुई थी, मेरे गुरु सामने बैठे थे अंकल उस्ताद गुलाम साबिर खान साहब और तमाम राजा
भैया, प्रेरणा दीदी, गीता आंटी, मेरी मदर, हम लोग वो सब सामने बैठे थे। तो मैंने पहली बार मैंने गा के भाव किया, तो मैं चाहूंगी कि वो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल, ये भी एक वीडियो है, तो उसको जरूर मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें। ये पहली बार अपनी जिंदगी में बैठ के भाव की कोशिश कर रही हूँ और ये एक सरप्राइज है। मेरे उस्ताद सामने बैठे हैं, उनके लिए मैंने कोशिश की है और पता नहीं कितना कर पाऊंगी, लेकिन आप सबसे इजाज़त मांगती हूँ, कोशिश करती हूँ पहली मर्तबा बैठ के भाव। ये हसी गर्ल दिल में छिपा
सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। मैंने तो मैं ये कहूंगी कि मैंने एक्चुअली आई डोंट थिंक डांस के अलावा मैंने लाइफ में किसी भी चीज को सोचा। मैंने मैं आपको कहूंगी आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट व्हेन आई वॉज स्टडिंग। मेरी पढ़ाई भी बड़े अच्छे स्कूल में हुई, कैम्ब्रिज स्कूल में, एंड मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही। बट मेरे प्रिंसिपल तक ये जानते थे कि मैं एक टाइम के आने के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। मैंने सोची, मैंने एट्थ में मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करना है, आई वॉन्ट टू डांस ओनली। और यहाँ तक नौबत आ गई थी कि मेरे प्रिंसिपल घर पे आ गए और मेरी मम्मी को कहा कि बिकॉज मेरी मदर भी कैम्ब्रिज के एक प्राइमरी स्कूल में वो टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि आप रेखा मैम अपनी बेटी को समझाइए, इतनी ब्राइट स्टूडेंट है, क्यों पढ़ाई छोड़ना चाहती। तो उस वक्त मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, बड़ा मेरे फादर त्रिनिदाद में रहते थे, तो वो भी वहां से कॉल करके, बेटा किसी तरह 12th तक पढ़ लो, उसके बाद तुम भले ही छोड़ देना। क्योंकि मुझे डांस के लिए ऐसा था कि मुझे डांस के अलावा कुछ नहीं करना। सोचिए, मैं जब छोटी थी तब जबान भी इतनी साफ नहीं थी, पेंसिल या कुछ भी एक लेके अपना इंटरव्यू शीशे के सामने खुद ही ले रही हूँ। लेडीज और जेंटलमैन नहीं बोलते, सेंटलमैन बोलती थी। लेडीज एंड सेंटलमैन, माई नेम इज महुआ शंकर एंड आई एम अ फेमस कथक डांसर। तो ये मेरा बचपन से एक था, कथक डांसर। तो फिर मैंने पढ़ाई की, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो किसी तरह मुझे करना ही था। तो उसके बाद मैंने कहा कि अब मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे आई वॉन्ट टू गिव माई कम्प्लीट लाइफ टू डांस। इसीलिए मैं अपने हर जगह मैं लिखती हूँ, डांस इज माई सोल, ये मेरी आत्मा है। अगर इस चीज को मुझसे अलग कर दिया जाए तो आई डोंट थिंक आई कैन इवन ब्रीथ, मैं सांस भी नहीं ले सकती। और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इस डांस के लिए मैंने बहुत कुछ नहीं किया लाइफ में, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया। मैंने सैक्रिफाइस नहीं किया, मैंने अपने डांस को अपने आप को समर्पित कर दिया। उसके अलावा मेरे लिए बहुत सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। तो मैं यही कहूंगी कि डांस है तो मैं हूं, और बस मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक इस कथक की मैं सेवा करती रहूं।